सालों ने गाड़ी इतनी चिपका के पार्क की थी ना कि दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल था। और हमने वापस स्टोर में जाकर सबसे बात भी की, बट वो गाड़ियां उनमें से किसी की भी नहीं थी। अजीब लोग है यार, अगर तुम्हारा उस जगह से कोई काम ही नहीं है तो तुम वहाँ की पार्किंग स्पेस क्यों ले रहे हो? उधर उसके मम्मी पापा आने वाले 10 मिनट में और इधर हमसे गाड़ी ही नहीं निकाली जा रही। अब बस एक ही रास्ता था भाई, ऐसे करते करते तो अगले जन्म पर जरूर पहुंच जाएंगे। तेरा ही आइडिया था ना, गाड़ी लेके घूमेंगे। अब चुपचाप धक्का लगा। हम कोशिश कर ही रहे थे कि तभी एक बंदा आता है पता नहीं कहाँ से, मैं कोई मदद करूँ, और हमारी मदद करने लग जाता है। वैसे बंदा काफी हट्टा कट्टा था तो उसकी मदद से गाड़ी इजीली निकल गई। अब ये सब करते करते ऑलरेडी 1 घंटा पार हो चुका था और हम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। फिर भी हम लोग थैंकफुल थे कि उस बंदे ने आके हमारी मदद की, नहीं तो हम पूरी रात इधर ही फंसे रहते। नाउ हियर्स द ट्विस्ट, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही वाले थे कि तभी हमने नोटिस किया कि जो बंदा हमारी मदद कर रहा था वो उन गाड़ियों के पास जाता है और उनमें से एक गाड़ी उसकी थी। हाँ बोलो भाई साहब, आपको मालूम था ना कि हम लोग गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, तभी तो मदद की तुम्हारी। तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके हटा नहीं सकते थे? मुझे लगा तुम लोग की गाड़ी खराब हो गई है।